नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उपन्यासों पे हम चर्चा कर रहे हैं। युग का नाम है प्रेमचंदोत्तर युग। तीन से चार भाग हम यहाँ पे आपको बतला चुके हैं। अगला जो भाग है उसमें हम एक उपन्यासकार का नाम है विवेकी राय। मित्रों, इनकी चर्चा करेंगे तो हम आंचलिक उपन्यासों का भी यहाँ पे जो छोटा सा अंश बचा हुआ है उसकी चर्चा कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो ये भाग रहेगा वहां पे हम प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का वर्णन करेंगे। प्रगतिवादी आपको कविता युग के विषय में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, और मार्क्सवादी जो विचारधारा है वह भी आपको उस परिप्रेक्ष्य में उसका आभास होगा। मित्रों, यहाँ 1936 की बात करते हैं तो 1935 में जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह अपने पांव पसार रही थी, और शोषण और शोषित के बीच में जो द्वंद्व था उस द्वंद्व के बारे में प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा दोनों में हमें देखने को मिलेगा। जो दोनों ही विचारधाराएं हैं अब वह उपन्यास साहित्य के विषय के रूप में भी अब चर्चा की जाने लगी है। आंचलिक उपन्यासकार की चर्चा कर लेते हैं विवेकी राय जी की, उसके पश्चात हम जो महत्वपूर्ण बातें प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत रहेंगी उनकी चर्चा करते हैं। विवेकी राय बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार है, प्रश्न परीक्षा में यहाँ से बहुत मुख्य रूप से बनता है। इनका एक निबंध उठ जाग मुसाफिर, जो कि जो निबंध लिया गया है हमारे जो NTNET का सिलेबस वहां पे अलग से रखा हुआ है, तो ऐसा साहित्यकार जिसकी कोई एक विशेष रचना जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है वहां पे देखने को मिलेगी, तो उसका जो संपूर्ण साहित्य हमें बहुत भली बात उसका आभास होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। बबूल नाम का जो बहुत ही चर्चित निबंध है, जो उपन्यास है, 1967 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में देखते हैं अगला जो है वह पुरुष पुराण जो है 1975 में प्रकाशित हुआ। विवेकी राय को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में या उसके वर्ग में रखा जाता है। फिर हम बात करेंगे जो और उपन्यास हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। लोकऋण 1977 में प्रकाशित हुआ, और उसके पश्चात जो अगला उपन्यास का जो क्रम था वह श्वेतपत्र 1979 में प्रकाशित हुआ। तो ये जो क्रम था उनके उपन्यासों का चलता रहता है। दो ही उपन्यासकार हमारे दाहिने भाग में हैं, उसके बाद में जो अगले उपन्यासकार हैं जिनको मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना निबंध का जो उपन्यासकारों के रूप में कहा जाता है उनकी चर्चा यहाँ पे आपको दृष्टिगोचर हो रही होगी। बात करते हैं विवेकी राय के अन्य उपन्यासों के बारे में। सोना माटी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाने वाला यहां से बनता है। 1983 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ, और इन सभी उपन्यासों से हमें जो लोक जीवन है, जो जनजीवन है ग्रामांचल का, उसकी सभी की एक मीठी सुगंध मिलती है देखने को। मित्रों, अगर सोना माटी की बात करते हैं तो जो सोना माटी है वह भी बलिया के आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण परिवेश है, उसको परिलक्षित करने का प्रयास करता है। यह जो विवेकी राय जी है उनका निबंध हमें पूर्वांचल के जो ग्रामीण व्यवस्था है उसकी जो उस समय की जो विसंगतियां हैं उन्हीं का हमें इसके अंतर्गत जो विषय है वह देखने को मिलेगा। समर शेष है, यह निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, समय शेष है यह बलभद्र मिश्र के द्वारा भी एक निबंध लिखा, एक उपन्यास लिखा गया। 1988 में यह उपन्यास प्रकाशित किया गया। इसके बाद में दो नाम और हैं, मंगल भवन और अमंगलहारी। जो मंगल भवन है वह 1994 में प्रकाशित किया गया, और उसके बाद में 2000 ईस्वी में एक और उपन्यास का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था अमंगलहारी, और अंतिम उपन्यास देहरी के पार 1997 में प्रकाशित हुआ। अब हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण, जिनके नाम की चर्चा हम पहले यहां से कर लेते हैं, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक जो है वह निबंधकार है, उनके साहित्य में हमें यह परिवेश देखने को मिलेगा। एक विशिष्ट और सबसे ज्यादा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक कोटि का दिव्या उपन्यास है, 1945 में प्रकाशित हुआ। PCS के मेंस का बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है, वहां पे इसके बारे में प्रश्नावली पूछे जाते हैं। दिव्या की चर्चा बहरहाल हम बाद में करेंगे, जो हम विशेष उपन्यासों की चर्चा करेंगे, विशेष रचनाओं की चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिताभ झूठा सक, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात जैसे उपन्यास हैं, इनके हम विषयों की चर्चा कर लेते हैं। इनके जो भी विषय हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित उपन्यास का नाम है दादा कॉमरेड, और 1941 में प्रकाशित हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियां,
मार्क्सवादी विचारधारा, प्रगतिवादी विचारधारा या सभी क्रांतिकारी एक युग का प्रारंभ करता है। वह यशपाल जो थे उनका जो उपन्यास साहित्य है हमें देखने को मिलेगा, वह उनके अंदर एक ज्वाला है, एक अग्नि है, एक जो ज्वाला जो क्रांतिकारी विचारधारा है वह उनके अंदर देखने को मिलती है। 1941-1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, गांधी के जो विचारधारा है उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, क्रांतिकारी पटल को लेकर के वह अपने साहित्य का लेखन करते हैं, क्योंकि साहित्य और समाज मैंने आपको बताया कि सहचर होते हैं। इसके बाद में अगला उपन्यास का नाम है जिसका नाम है देशद्रोही। मित्रों यशपाल एक ऐसा व्यक्तित्व है उनका कृतित्व परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। देशद्रोही की चर्चा करते हैं। 1943 दो ही वर्ष बाद एक उपन्यास और लिखित किया गया, इसका इसमें चर्चा करेंगे तो इसमें 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थितियां, 1930-1929 के आसपास में भारत में जो भारत को स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा कर दी गई, और उसके बाद में 1942 में भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी कि भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, और उसी स्थिति को या 12 वर्षों की जो यथावत स्थिति थी उसका वर्णन हमें देखने को मिलेगा किसमें, देशद्रोही के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं दिव्या की। मित्रों दिव्या बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए चाहे वो भाषा के दृष्टिकोण से हो, पात्रों के दृष्टिकोण से हो, विषय के दृष्टिकोण से हो, और उपन्यास का शिल्प तो बहुत ही सुंदर है जिसका व्याख्यान शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। दिव्या की बात करें तो ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित एक जो उपन्यास है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को इसमें बहुत खूबसूरती के साथ में प्रविष्ट किया गया है। अगले उपन्यास की चर्चा करते हैं पार्टी कॉमरेड, और यहां पे कम्युनिस्टों के बारे में हमें देखने को मिलेगा। 1946 में इस उपन्यास का प्रकाशन किया गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे राष्ट्र विभाजन पर आधारित एक उपन्यास है, जो राष्ट्र विभाजन पर आधारित उपन्यास है उसका नाम है जो झूठा सच है, 1958 में प्रकाशित किया गया। मित्रों झूठा सच पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर अमिता और मनुष्य के रूप की चर्चा करते हैं। इसके दो भाग प्रकाशित हुए, पहला भाग तो 1958 में प्रकाशित हुआ और जो दूसरा भाग था वह जो दूसरा भाग है वह भी 1960 में प्रकाशित हुआ। दो अलग अलग समयांतरालों के अंतर्गत इसका प्रकाशन किया गया। झूठा सच की बात करते हैं तो झूठा सच में हमें स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका हमें इसके अंतर्गत मिलेगी, 1958 में प्रकाशित पहले भाग के अंदर। जो बुद्धिजीवी है स्वतंत्रता प्राप्त दिलाने के लिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग था, उसकी जो स्थितियां हैं, उसकी परिस्थितियां हैं, उसके जो कार्य हैं वहां हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। व्यंग्यात्मक प्रधान निबंध के रूप, उपन्यास के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। फिर हम देखेंगे जो दूसरा भाग है उसमें हमें मिलेगा जो उसमें जो दूसरा भाग है उसमें राष्ट्र विभाजन की त्रासदी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको फिर से बताऊं। पहला जो है उसमें राष्ट्र विभाजन देखने को मिलेगा, राष्ट्र विभाजन जो है उसकी हमें त्रासदी देखने को मिलेगी, और जब दूसरा भाग है उस दूसरे भाग में हमें जो बुद्धिजीवियों का जो एक प्रयास रहा हमारे स्वतंत्रता संग्राम दिलाने में, या उनकी स्थितियां परिस्थितियां, उनका जो उस समय का परिवेश जो हमें देखने को मिलेगा वह हमें झूठा सच के द्वितीय भाग 1960 में देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगले उपन्यास की जिसका नाम है मनुष्य के रूप, 1949, अमिता 1956, और उसके बाद में अगला उपन्यास है 12 घंटे। 12 घंटे की चर्चा करते हैं तो 12 घंटे 1962 में प्रकाशित हुआ। मित्रों 1962 में यह जो प्रकाशित उपन्यास है जिसमें पातिव्रत्य प्रेम के पर चर्चा की गई है, अप्सरा का श्राप जो है पौराणिक कल्पना के अंतर्गत आता है, क्यों फंसे या जो है या काम भावना को लेकर के लिखा गया उपन्यास है, और मेरी तेरी उपन्यास जो है वह भी स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम या उत्तर समाज, जो उत्तर जीवी जो समाज है उसकी चर्चा हमें देखने को मिलेगी। मार्क्सवादी और प्रगतिवादी विचारधारा, आपको पता होगी कि मार्क्स की जब चर्चा करते हैं तो शोषक और शोषित दो ही शब्द आते हैं, और दोनों के बीच में जो छिड़ रहा द्वंद होता है वह मार्क्सवादी विचारधारा होती है, और वही प्रगतिवादी जो उन्मेष होता है वह भी हमें वहीं देखने को मिलता है। अमन मनात गुप्त जी की चर्चा करते हैं, उपन्यासों का समृद्ध साहित्य इनके हमें देखने को मिलेगा। नाम है उपन्यास का बहता पानी, चक्की, अस्तीम के साथ, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, ख्याल अच्छा है। गालिब का शेर है, ख्याल अच्छा है उसका एक उसकी रदीफ है। ये जो उपन्यास है ये देखने को मिलेंगे हमें मनुनाथ गुप्त जी के, उनका समृद्ध साहित्य है। इसके अतिरिक्त हम एक
बहुत महत्वपूर्ण रामेश्वर शुक्ल अंचल जैसे उपन्यासकार की चर्चा करते हैं। संख्या उतनी अधिक नहीं है लेकिन विषय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चढ़ती धूप 1945 में प्रकाशित हुआ, उल्का 1947 में प्रकाशित हुआ और नई इमारत की चर्चा करते हैं तो वह 1947 का प्रकाशित उपन्यास हमें देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी की। भैरव प्रसाद गुप्त जी का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीए नेट का मित्रों बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सती मैया का चौरा 1959 प्रश्न पूछा गया है, इसके विषय की चर्चा हमें इसमें करनी है। सती मैया का चौरा भैरव गुप्त का है। अगर भैरव गुप्त का कोई भी प्रश्न पूछा जा चुका है तो सजग हो जाइए, प्रश्न अगर भैरव गुप्त का एक उपन्यास पूछा गया है तो उनकी और भी रचनाओं का जो विशिष्टता है वह हमें उपन्यास के या उनकी रचनाओं के लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देख लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त का जो उपन्यास है शोले, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है और मसाल की चर्चा करते हैं तो 1948 का प्रकाशित उपन्यास है और उसके बाद में ही एक उपन्यास आ जाता है गंगा मैया और यह गंगा मैया उपन्यास 1952 में प्रकाशित किया गया। गंगा मैया की चर्चा करते हैं, जो अभावग्रस्त ग्रामीण है उनकी ही चर्चा हमें देखने को मिलेगी गंगा मैया में। अभावग्रस्त ग्रामीण क्या होता है? अभावग्रस्त ग्रामीण वही मार्क्सवादी प्रगतिवादी विचारधारा का एक सूचक ही तो है। मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है कि शोषण शोषित, शोषक जो है वह क्या करता है, जो पूंजीवादी विचारधारा है, पूंजीवादी जो व्यक्ति है जो शोषक शोषक के रूप में कार्य करता है और एक गरीब दबा कुचला समाज का निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसका वह शोषण करता है, उसका वह रक्त खींचता है और इसी के बीच में जो उनकी आय वर्ग के बीच में जो द्वंद है यहाँ हमें मार्क्सवादी विचारधारा को देखने को मिलेगा। जैसे भिक्षुक जैसी कविताएं हमें प्रगतिवादी काल के अंतर्गत देखने को मिलती है वही यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। गंगा मैया सती मैया का चौरा लगभग दोनों ही ग्रामीण अंचल के ऐसे वर्ग को दृष्टिगोचर कराते हैं जो बहुत ही गरीब है, दयनीय स्थिति उसकी वर्णित की गई है, उस पर समाज का जो शिकंजा कसा जा रहा है राजनीतियों के द्वारा, जो वहां के जमींदार हैं उनके द्वारा जो अन्याय बर्बरता क्रूरता की जा रही है वह हमें सभी इसके अंदर दृष्टिगोचर होता है। जंजीरे और नया आदमी, जंजीरे से आपको इसकी भावना का बहुत ही अंदाजा हो जाता है। प्रकाशन वर्ष 1954, सती मैया का चौरा का विषय चर्चा कर चुके हैं। धरती नाम का जो एक उपन्यास है 1962 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद में जो उपन्यास है वह है आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964, नौजवान 1972 जैसे उपन्यास लिख करके अपने साहित्य को समृद्धि प्रदान की। नाम लेते हैं अमृत राय का, अमृत राय का नाम आप जानते होंगे, प्रेमचंद से जुड़ा हुआ नाम है, एक जीवनी के कारण इनको बहुत ही बेहतर तरीके से जाना जाता है। उपन्यासों में भी उनका कहीं भी कोई भी कम योगदान नहीं है। बीज जैसा उपन्यास 1952 का है, प्रगतिवादी मार्क्सवादी उपन्यासकार के रूप में ही उनका नाम लिया जाता है। नागफनी का देश जैसा उपन्यास भी 1953 में प्रकाशित हुआ। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, यह जो हाथी के दांत है 1956 का प्रकाशित उपन्यास है, व्यंग्य प्रधान उपन्यास के रूप में जाना जाता है। जंगल, एक जंगल के अंतर्गत यानी जो जंगल है राजनीतिक व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था उन दोनों पर ही तंज कसने के साथ साथ में इस जंगल के उपन्यास की भूमिका हमें देखने को मिलेगी। सुख और दुख 1959 का उपन्यास है, भटियाली प्रश्न पूछा गया है, भटियाली जो उपन्यास है वह भी अमृत राय का है और उसके बाद में नाम आता है अगले उपन्यास का धुआं। फिर हम एक नए उपन्यास की चर्चा करते हैं, अमरकांत भी अपने उपन्यास लेखन के लिए काफी प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। सूखा पत्ता 1959 में प्रकाशित हुआ, आकाश का पक्षी 1967 में प्रकाशित हुआ और अगर काले उजले दिन की बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष है 1969, यानी अब हम 60वीं सदी के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो हमारा युग है अद्यतन हो जाता है। ये प्रेमचंदोत्तर काल जो है बहुत ही विशिष्ट कोटि का युग है। अगर बात करते हैं तो इसमें हम यह चर्चा करेंगे, पांचवा भाग है प्रेमचंदोत्तर युग का, मतलब उपन्यास की श्रृंखला बहुत लंबी है और उपन्यास को हम विभिन्न भागों में बांट करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप एक एक उपन्यास का जो विषय है वह जान सकें और सभी परीक्षाओं के लिए एक नई पृष्ठभूमि का आगाज कर सकें। सुखजीवी उपन्यास 1982 में प्रकाशित हुआ, बीच की दीवार 1981 और ग्राम सेविका जो है 1981 का प्रकाशित उपन्यास है। फिर हम देखते हैं भीष्म साहनी, साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस के लिए दिया गया और तमस जैसा उपन्यास लिख करके जिस पर दो बार
मूवी बनी और इनके जो बड़े भाई थे बलराम साहनी, वह एक जो हमारे जो दूरदर्शन है या फिर जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री उसमें एक चर्चित नाम था। भीष्म साहनी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, चाहे वह कहानीकार के रूप में रखे जाएं, चाहे वह साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो 1992-93 के आसपास उनको रखा गया उसकी बात की जाए, जो उनकी रचनाएं हैं उनकी बात की जाए, इन सभी रूपों से भीष्म साहनी एक बहुत ही चर्चित नाम हो जाता है और मार्क्सवादी विचारधारा को भी अपने उपन्यासों का विषय बनाने का कार्य जो उनका है वह बहुत ही अविस्मरणीय है। चर्चा करते हैं यहाँ पे झरोखा 1947। मित्रों, क्रम लगाने के लिए एक उपन्यास का प्रश्न आता है और भीष्म साहनी उसका बहुत ही विशिष्ट कोटि का नाम है। झरो कड़ी तमसा बसंती मैया मार कुंतो नीलू नीलिमा, ठीक है, उपन्यास का क्रम आपको समझ में आया। ऐसे याद करते हैं कि झरो कड़ी तमसा बसंती मैया कुंतो नीलू नीलिमा, इस प्रकार के आपके क्रम से, इस प्रकार की कविता दोहा से आप उपन्यासों का क्रम याद कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी ट्रिक जो होती है वह ट्रिक स्वरचित ट्रिक होती है। ट्रिक जैसे आपको बतला दिया जाए, बहुत अच्छा सा थंबनेल क्रिएट किया जाए और उसमें बता दिया जाए कि ट्रिक से याद करें, मित्रों वो ट्रिक कोई भी नहीं होती, वह हमारे स्वतः मन से एक रचित एक ऐसी कलाकारी होती है जो हमको हास्यास्पद लगती है और सामान्य रूप से हम उसको याद कर सकते हैं। मित्रों, ट्रिक जो होती है वो आप स्वयं बनाइए, थोड़ा सा समय लगेगा और उस समय देने के बाद में जिस प्रकार से आपको वह तैयार हो जाएगा, उस जैसा तैयार कराने वाला कोई भी अध्यापक आपका उतना कार्य नहीं करेगा। तो यही मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है, आप इनको बना सकते हैं। आप अपने मेधा का, अपने कौशल का, अपने चिंतन स्तर का कार्य लीजिए और यहाँ पे उपन्यासों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोबारा से झरोखा की बात करते हैं, एक विशिष्ट कोटि का उपन्यास है और झरोखा में आर्य समाजी समाज वर्ग जो है वह हमें परिलक्षित होता है। कड़िया की बात करते हैं तो 1970 का चर्चित उपन्यास है और 1970 में जो उपन्यास की रचना की गई उसकी चर्चा करते हैं तो कड़िया में दाम्पत्य जीवन की जो कटुता है, दाम्पत्य जीवन जहां पत्नी पति के बीच का जो कटु सत्य है जो हमें विवाह के 2-3 वर्ष के बाद देखने को मिलता है, वह कड़वा सत्य कड़िया में देखने को मिलेगा। जो उसके बाद में आता है उपन्यास तमस, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कई बार, इसके प्रति लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य अकादमी जो समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में भी उनको नियुक्त किया गया। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। 1915 में जन्मे भीष्म साहनी की चर्चा करते हैं तो 1970 के बाद में 1973 में तमस का प्रकाशन हुआ और तमस जो है वो भारत विभाजन पर आधारित है। भारत विभाजन में जो सांप्रदायिक स्थितियां थी वह हमें तमस के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। जो भारत विभाजन, जैसे हम झूठा सच की बात करते हैं तो राष्ट्र विभाजन, और तमस की बात करते हैं तो भी भारत विभाजन, ये दोनों ही विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे झूठे सच की बात करें, झूठा सच, तो वह भी राष्ट्र विभाजन भारत विभाजन, और तमस की बात करें तो वह भी भारत विभाजन, और यहाँ पे सांप्रदायिकता का जो प्रवेश किया गया है। फिर हम बात करते हैं बसंती की, 1980 में प्रकाशित उपन्यास है। 1980 में प्रकाशित उपन्यास जो बसंती है उसकी जो पृष्ठभूमि है वह दिल्ली महानगर में झुग्गी झोपड़ी जो जो बस्तियां होती हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करते हैं, उसी का जो दिल्ली का जो चित्र है वह लेकर के पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे भारत का एक वर्णन किया गया है। मैयादास की माणी की ही जब चर्चा करते हैं तो 1988 का चर्चित उपन्यास है। 1988 में यह चर्चित उपन्यास 1840 से 1920 तक का जो भारत का स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। कुंतो की चर्चा करते हैं तो 1993 में प्रकाशित हुआ और 1993 में जो प्रकाशित उपन्यास कुंतो है इसमें नारी जीवन के ऊपर चिंतन किया गया है और उसके विमर्श को बतलाया गया है, और नीलू नीलिमा नीलोफर जैसे तीन नाम हैं। सन 2000 का चर्चित उपन्यास है, उनके साहित्य के अंतिम कोश का यह लिया गया उपन्यास में देखने को मिलेगा। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई और इस उपन्यास में भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मार्कंडे का चर्चा करते हैं तो दो उपन्यास हैं जिसमें पहला नाम आता है सेमर का फूल, 1959 में प्रकाशित हुआ, और मार्कंडे का दूसरा उपन्यास 1981 का अग्निबीज है। ये दोनों ही उपन्यास अपने विषय को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और दो इसमें जो अग्निबीज है यह गांधीवादी विचारधारा को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। गांधीवादी विचारधारा जो कि आज भी सार्वभौमिक सत्य के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जगदीश चंद्र माथुर की बात करते हैं तो जगदीश चंद्र यादों का पहाड़ लिख करके 1966 से वह उपन्यास का प्रारंभ करते हैं और इसके बाद में 1966 के बाद में उनके उपन्यासों का तांता लग जाता है। 1966 में जो लिखा गया उपन्यास है यादों का पहाड़ उसकी चर्चा
करेंगे। उसके बाद में फिर हम अगर बात करें तो धरती धन अपना, तो धरती धन अपना जो उपन्यास है, यह उपन्यास लगा हुआ है एनटीए नेट के साहित्य के जो सिलेबस में, वहां पे अलग से इसकी चर्चा की जाएगी, जिस पर हम बताएंगे आपको इसके कौन कौन से पात्र हैं, क्या कथा वस्तु है, क्या विशेषता इस उपन्यास की है जो जगदीश चंद्र माथुर के इस विषय उपन्यास को समृद्ध करती है, उपन्यास साहित्य को समृद्ध करती है, उनके नाम को समृद्ध करती है। धरती धन अपना 1972 में प्रकाशित हुआ, आधा पुल 1973 का चर्चित उपन्यास है, मार्क्सवादी विचारधारा प्रगतिवादी विचारधारा उनके उपन्यासों का भी एक विषय महत्वपूर्ण रहा है। अगर धरती धन अपना की बात करें तो पंजाब के विषय वस्तु इसके अंतर्गत रखी गई है, और जो धरती आधा पुल है यो युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन किया गया है। कभी न छोड़े खेत 1976 का उपन्यास है, और यहां भी कभी न छोड़े खेत एक मार्क्सवादी विचारधारा का ही यथावत उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं मुट्ठी भर काकर 1976 का प्रकाशित उपन्यास है, और इसके अंतर्गत जो विषय है वह है पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी हमें देखने को मिलेगी। टुंडालाट घास गोदाम, टुंडालाट का प्रकाशन 1978 है, घास गोदाम का प्रकाशन 1985 है, नरकुंड में वास 1994 है, और लाट की वापसी जो है वह 2000 में लिखा गया उपन्यास है, और सभी विषय के दृष्टिकोण से उनके उपन्यास हैं वह महत्वपूर्ण है। अगला नाम लेते हैं विश्वंभरनाथ उपाध्याय का, और इनके उपन्यासों का जो क्रम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, विश्वंभरनाथ उपाध्याय की चर्चा करते हैं तो रीच नाम से उन्होंने उपन्यास काल का प्रारंभ किया, 1967 में प्रकाशित उपन्यास है, और रीच को उदाहरण लेकर के, रीच को जो इंगित करके उन्होंने समाज का जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण किया जा रहा है, जो समाज का दबा कुचला वर्ग है, जो अपनी कराह में जी रहा है, उसका ही वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। पच्चधर की बात करते हैं तो उसी क्रम का एक उपन्यास भी है, जाग मच्छंदर गोरा का 1983 में प्रकाशित उपन्यास है। 1983 में जो प्रकाशित उपन्यास है, इसमें भी हमें मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन परिस्थितियों की वर्णन देखने को मिलेंगे। दूसरा भूतनाथ, मित्रों भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, जिसको जो अपूर्ण था उनके पुत्र पूरा करते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। दूसरा भूतनाथ जो है 1985 में विषय के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसको नोट कर लीजिएगा। जोगी मत जा 1989 में प्रकाशित उपन्यास है, विक्षुब्ध 1991 और कठपुतली जैसा उपन्यास लेकर के 1982 में उन्होंने अपने उपन्यास साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया। उपन्यासों का जो युग है प्रेमचंदोत्तर वो बहुत महत्वपूर्ण है, पांचवा भाग हमने प्रकाशित आपके सामने प्रस्तुत किया, ये क्रम निरंतर जारी रहेगा जब तक उपन्यास, एक एक उपन्यास का विषय उसके जो जिस प्रकार से ख्याति प्राप्त हुई उन तक उनको हम आप तक नहीं पहुंचा देंगे। तो इस क्रम से, इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहें, हमारे गुरु चेला एकेडमी जैसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर भी हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। इन सभी स्थितियों के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो हमारे चैनल में जो बेल आइकन होने वाला है उसको आप दबाइए ताकि हम आपको नोटिफिकेशन भी प्रदान कर सकें। धन्यवाद हमारे चैनल में बने रहने के लिए।